हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छा डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एट फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन जब आप आई बी पी एस एस ओ मार्केटिंग मीन्स स्पेसिफिकली मीनस की तैयारी जब आप शुरू करते हो तो कौन से कौन से फैक्टर्स आपको जो है माइंड में रखने चाहिए और पिछले दस सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ राइट एंड प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स एग्जाम देने के बाद आपको ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे लेट्स स्टार्ट द सेशन पहला फैक्टर जो कंसिडर आपको करना चाहिए दैट यू शुड बी फोकस्ड यू शुड बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट आपको जो तैयारी जो है कम से कम मेरे हिसाब से करनी चाहिए सात से आठ महीने की मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ तैयारी करते हैं दो तीन महीने की चार महीने की Which is नॉट फेयर मेरे हिसाब से दो तीन महीने की तैयारी वैसे सफिशियंट नहीं होती है मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कम से कम सात से आठ महीने की यस yes, सात से आठ महीने की जब आप तैयारी करते हो तब तो बात बनती है राइट एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या पंद्रह दिन या एक महीना तैयारी करने वाला स्टूडेंट पास हो सकता है माई आंसर इज यस डिपेंड करता है आपने अपनी एम किस हिसाब से करी है अगर आप टॉपर थे अपनी एम में आपने मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं तो थोड़ी सी तैयारी के बाद आप क्रैक कर लोगे एग्जाम को लेकिन अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से ऑलरेडी नहीं पढ़ी हुई तो दिक्कत आएगी हंड्रेड परसेंट आएगी इन दैट केस सिक्स टू सेवन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड प्री और मेंस दोनों के लिए और मेंस के लिए कम से कम तीन चार महीने कम से कम चाहिए अलग से एक महीने में तैयारी करके निकालना पॉसिबल नहीं है एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये आ जाती है कि कंसिस्टेंसी डेली दो से तीन घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके एग्जाम निकलेगा दूसरा एक फैक्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस के लिए सिर्फ कॉटलर कैलर की एक बुक है आती है बहुत अच्छी बुक है हम भी उसको रेफर करते हैं सिर्फ वही पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनको लगता है कि ये बुक उनको पेपर क्लियर करवा देगी दिस इज़ नॉट द केस ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है एज ऑफ द मोमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इसी बुक के बेसिस पर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे नहीं कर पाओगे हम यहाँ बैंक एग्जाम छोड़े पे हमारे पास बारह किताबें पढ़ी हैं एंड ट्रस्ट भी मैं एक भी किताब को मेरे हिसाब से ऐसे नहीं बोल सकता कि ये किताब पढ़ गया पास हो जाओगे मैं गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक मैं रेफ़र कर चुका हूँ पास में स्टूडेंट्स को बोलता था ये बुक परचेज कर लो तो कॉटला कैलर की भी बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर हमारे पास अवेलेबल है एमबीए में पढ़ी है लेकिन स्टूडेंट्स आप कॉडला कैलर की बुक देखो इतनी इतनी मोटी होगी हजार पेज की बुक होगी वो लेकिन उसमें से भी साठ में से मुझे लगता है तीस पैंतीस क्वेश्चन भी नहीं आते और उसमें बहुत सारी केस स्टडीज बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स हैं जो एम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं लेकिन फॉर दिस एग्जाम इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट मतलब एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा अननेसेसरी जो है डिटेल्स आ जाती हैं केस स्टडीज को पढ़ना बिल्कुल अवॉइड करें कोई जरूरी नहीं है आपके लिए अब जस्ट अवॉइड रीडिंग द केस स्टडीज एट ऑल क्या नोट्स बनाए सी इफ यू दैट इज द पॉइंट कि अगर आप चार तीन चार महीने अलग से दे रहे हो मेंस एग्जाम को देन आपके पास टाइम है नोट्स बनाने का आप नोट्स बना के अच्छी से तैयारी करके जो जो है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने खुद के एक कॉपी लगाएंगे एक डेडिकेटेड तरीके में जैसे आप कॉलेज में तैयारी करते थे वैसे आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आपके पास होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे राइट right? सो so, अगर आपके पास टाइम ही पंद्रह दिन का है बीस दिन का है, तो आप कैसे एग्जाम को क्रैक करोगे नोट्स कैसे बनाओगे पॉसिबल ही नहीं है दैट इज वाई अगर आप कंसिस्टेंट वे में मल्टीपल बुक्स फॉलो करके कोर्सेस लेकर तो आप दस तरह के जो है आपने कॉन्टेंट देख लिए देन यू नोटेड डाउन आप उसको पूरा नोट डाउन कर रहे हो आप एक एक टॉपिक को कवर करोगे जब आप उसको लिखते हो तो गलत चीज़ें नहीं लिखोगे आप अगर आपको समझ में नहीं आ, आएगा आप रिसर्च करोगे सो नोट्स बनाना इज इज़ अ रियली आई वुड से एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाता है फोकस ऑन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कैसे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पढ़ते हो तो आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग या आजकल के टॉपिक्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं एस सी ओ बी सी जी मैट्रिक्स राइट डाइवर्सिफिकेशन ये कुछ एक टॉपिक्स हैं कंपेटिव है, स्ट्रेटजीज जो बार बार रिपीट होते हैं एंड आप जब नोट्स बनाओगे तो उन टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे इरेलीवेंट केस स्टडीज को आप फॉलो नहीं करोगे इ जो कंटेंट है कई बार यूट्यूब चैनल्स पे इधर उधर आता है उसको अवॉइड करोगे फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे नहीं आती है फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्केटिंग में नहीं आती करंट अफेयर्स नहीं आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं आप समय खराब कर रहे हो आप फोकस करो जो पेपर में आता है वो करो मार्केटिंग मैनेजमेंट मेंस में एचआर के टॉपिक्स नहीं आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आती करंट अफेयर्स नहीं आती और बैंकिंग भी नहीं आता प्योर मार्केटिंग आती है ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केटिंग अवेयरनेस आ जाता है राइट मार्केटिंग अवेयरनेस बोलते हैं कि ये जो टैगलाइन है वो कौन से ब्रांड की है ये ये ब्रांड एम्बेसिडर कौन से ब्रांड का है तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं टेक एटलीस्ट थर्टी फुल लेंथ टेस्ट देखिए साठ क्वेश्चन हैं एक मॉक टेस्ट में साठ क्वेश्चन अगर आपको देखने को अगर मिल रहे हैं तो आपने 1800 क्वेश्चन की तैयारी कर ली 1800 क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे पेपर में 1800 क्वेश्चंस देखिए मेरे हिसाब से किसी भी कोर्स से ज्यादा वैल्यू जो है वो आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज देती है मैं पिछले 12 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी जितना मेहनत टेस्ट सीरीज़ बनाने में लगता है उतना मेहनत है कोर्स बनाने में नहीं लगता मेरे हिसाब से आप कहीं से भी जब टेस्ट सीरीज़ परचेज करते हो तीन सौ चार सौ पाँच सौ छः सौ रुपये का इतने में आपको मिलता है हज़ार रुपये की तो मुझे लगता नहीं कहीं पे मिलती भी ये टेस्ट सीरीज़ सात आठ सौ रुपये की जब आप टेस्ट सीरीज़ लेते हो ये देखो कि आपको पर क्वेश्चन कितना पैसा पे करना पड़ा किसी भी बुक से ज़्यादा वैल्यू आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलती है मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आपको चार जगह से टेस्ट सीरीज़ मिलती है आप चारों की चारों खरीदो आई बी बी मार्केटिंग कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो सबकी आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो कोई टीचर बुरा नहीं होता सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं मैं मुझे लगता है मैं एक लौता टीचर होऊंगा ऑनलाइन जो ये बोल रहा है कोई भी टीचर जिसको आप सुन रहे हो हर एक स्टूडेंट जो है वो चार पांच टीचर्स को सुन रहा होता है हर टाइम पे वो सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं अगर उन सभी ने टेस्ट सीरीज़ बनाई है तीन सौ चार की तो चार मल्टीप्लाई बाय पाँच आप फिर क्या हो गया दो हजार रुपए पे कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है आपकी सैलरी सत्तर हजार रुपए की लग जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है टेस्ट सीरीज पे पैसे जब आप खर्चते हो वर्थ इट है वो उसके बाद एटलीस्ट एक कोर्स आप जरूर लो यू शुड ऑलवेज बाय अ कोर्स बाय एनी टीचर आई मीन इफ यू आर वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब तो जब आप उन्हीं उन्हीं में से किसी टीचर का जब आप कोर्स खरीदते हो तो एक रिलायबिलिटी बनती है उस टीचर की कोई ड्यूटी बनती है आपको पढ़ाने की पूरा सिलेबस कवर करने की आपको नोट्स प्रोवाइड करने की आप रैंडमली इधर उधर भटकते नहीं हो राइट सो ऑलवेज बाय अ कोर्स दैट इज़ वेरी रेलिवेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंड में आप पावर कैप्सूल ज़रूर पढ़ो पावर कैप्सूल पढ़ना ज़रूरी है जो रिवीजन नोट्स बनाते हैं हम भी बनाते हैं मेंस का एग्जाम होता है उससे पंद्रह दिन पहले ये जो नोट्स आप अपने बना रहे हो वैसे ही नोट्स हम बना के भी देते हैं स्टूडेंट्स को कुछ एक स्टूडेंट्स हैं उतना एफर्ट नहीं करते हैं उनके लिए हम एफर्ट करते हैं जिन्होंने एफर्ट कर रखा है अपना अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं उनके लिए ये एक बेटर चीज़ हो जाती है कि दो अलग अलग तरीके के नोट्स हैं एक आप अपने बना के बैठे हो एक हमने दे दिए हो सकता है कुछ एक टॉपिक्स आपने कवर नहीं करे या बहुत अच्छे से नहीं लिखा कुछ एक हमने एक्स्ट्रा कवर कर लिए तो बेनिफिट ही मिलेगा जो स्टूडेंट छः महीने तैयारी कर रहा है उसको हमेशा बेनिफिट मिलेगा बाकी स्टूडेंट से सो so, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करो और आई बी मार्केटिंग का ट्वेंटी कोर्स बैंक आप ज्वाइन करो पूरा 100% परसेंट सिलेबस आपको कवर uh, जो है हम करवाते हैं बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम पे पूरी वीडियो क्लासेस टेस्ट सीरीज इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस सब कुछ हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड आप uh, कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो नाइन जीरो सिक्स सेवन टू जीरो वन ट्रिपल जीरो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो सो लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल दी स्टूडेंट्स द टुका कोर्सेज इन द प्रीवियस ईयरस फॉर आई बी पी एस एसओ मार्किटिंग एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ नाइन जीरो सिक्स सेवन टू जीरो वन ट्रिपल जीरो दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो और हम आपके सारे डाउट्स को आंसर करेंगे सो दैट्स ऑल फोर टू डे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड एव अ वेरी नाइस डे पपाई